शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से श्रद्धा, श्रद्धा, मैं पानी लेकर आती हूँ। श्रद्धा, उठो। श्रद्धा, अचानक क्या हो गया? भाभी पानी पी लीजिए। कुछ नहीं, वो थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी इसलिए चक्कर आ गया था। मैं ठीक हूँ। अबे बेटा, तुम श्रद्धा को लेके कमरे में जाओ, देखो कितनी गहरी चोट लगी है और सुबह से दौड़ भाग कर रही है। जाओ बेटा, आराम करो तुम। जी मम्मी। ये रागिनी हमारे घर में आके पहले तो हमें गले लगाई और बाद में पीछे से छुरा मार दिया। अरे क्या हालत बना दी हमारी बहू की। माता रानी ने उसे उसके बुरे कर्मों की तब के तभी सजा दे दी। अब बस माता रानी से एक ही प्रार्थना है कि अभय और श्रद्धा कभी भी ना बिछड़े और बस ये परिवार हमेशा ऐसे ही हंसता खिलखिलाता रहे। अब बस एक ही सदस्य की कमी है, कीर्ति को भी घर वापस आ जाना चाहिए। अब दिन है मेरे, रातें भी हैं तेरे लिए। तू बाशिंदा है, तू जावे
तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। इतनी हिम्मत कहाँ से लाती थी? इतना बुरा होने के बाद, ये चोट लगने के बाद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आती है? आपकी हिम्मत देख कर ही मुझे हिम्मत मिलती है अभय। अगर आपका साथ होना तो मैं इस दुनिया की कोई भी लड़ाई लड़ सकती हूँ। जो कुछ भी हुआ, कितना भी बुरा हुआ, हुआ तो मेरी वजह से। तुम कभी मुझे माफ कर पाओगे? क्यों नहीं सुनी मैंने तुम्हारी? क्यों रागनी के साथ वो डील की? उसके बारे में सोचता भी हूं ना तो सही शर्म आती है मुझे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। आपने जो कुछ भी किया सिर्फ मम्मी जी के लिए किया है और धोखा उन लोगों ने दिया है। उनकी वजह से आप अपनी आंखें नहीं झुकाएंगे और मैं आपका सर हमेशा उठा हुआ देखना चाहती हूँ। श्रद्धा, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे, आज के बाद कभी तुम्हारी किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं करूंगा। मैंने हमेशा गलतियां की और तुमने मुझे माफ करके हमेशा मेरा साथ दिया। मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगा, और अगर नहीं सुनी ना तो मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? श्रद्धा, नहीं, मुझे बोलने दो। मैंने हमारे रिश्ते को कभी भी वो इज्जत नहीं दी जो मुझे देनी चाहिए थी, पर मैं वादा करता हूं मैं बदल जाऊंगा। मैं तुम्हें शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगा। 6 साल तक मैंने सिया को तुमसे दूर रखा, तुम्हारे परिवार को, खुद को। वो 6 साल तो नहीं लौटा सकता, पर वादा करता हूँ उन 6 सालों में जितनी भी दूरियां आई थी उन्हें खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा, और किसी को भी हमारे बीच दूरियां नहीं लाने दूंगा। साथ और आपका ही मुझ पर अटूट विश्वास, ये काफी है मेरे लिए। ये तो बहुत हो गया। इस महीने 3,500 रुपए खर्चों की दवाई हुई और फिर भी आप अपनी बीपी की दवाई लेना भूल जाते हैं। कितनी बार कहा है आपको, अपनी दवाई टाइम से लिया कीजिए वरना तबीयत खराब हो सकती है। नैना जी, आप तो देख ही रही थी ना, घर में इतना कुछ चल रहा था, बस ध्यान नहीं रहा। अब अभय वापस आ गया तो देखिएगा, बिल्कुल समय से दवाई लेंगे हम।
बस अब कीर्ति वापस आ जाए घर तो हम परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे? आ जाएंगी वो। पता नहीं नैना जी, कुछ तो है जो वरुण और कीर्ति के बीच में ठीक नहीं है। वो दोनों ही एक नंबर के जिद्दी हैं। तो वो अपनी जिद कब छोड़ेंगे? जब हम चले जाएंगे तब? अरे कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप? हाँ चाहे आपके दुश्मन, देखिए आप फिक्र मत कीजिए, हम वरुण से बात करेंगे। नैना जी कल रक्षाबंधन है, आप पूरी कोशिश करना कि पूरा परिवार इकट्ठा हो। बहुत समय बाद परिवारों के बीच में जो दरारी थी वो अब जाके हटी है। जी लाइए, ये मैं कर देती हूँ। गिर जाओगे तुम लोग। पापा हमारे पिक्चर्स क्लिक कर दो ना प्लीज। आ जाओ बेटा यहाँ आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक। हाँ चलो। स्माइल। खेरो बेटा आप भी जाओ और सिया और सानवी के साथ फोटो खिंचवाओ। अच्छा मन नहीं है पापा। कैसे मन लगेगा उनका जब उनकी माँ ही यहाँ नहीं है। वरुण आप कीर्ति को फोन लगाइए ना। मम्मी मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ मुझे इस बारे में बहस नहीं करनी है। खींच रहे वो भी हमें बुद्धू बना के। लो फोन दो। क्यों नहीं? अरे तुम्हारी मम्मा इतनी सुंदर जो लग रही हैं कि तुम्हारे पापा के होश ही उड़ गए। बेटा कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत कमजोरी होगी ना। कमजोर हो श्रद्धा? मम्मी इन दोनों शब्दों का ना कभी मेल नहीं हो सकता। और ऐसे भी श्रद्धा तो आपकी सुपर बहू है ना। मम्मी जी मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, आप मुझे बताइए ना आपके हाथ का दर्द अब कैसा है? अरे हमारे हाथ का दर्द तो जैसे छू मंतर हो गया जब हमारा बेटा हमारी बहू और हमारा परिवार एक हो गया। अब देखना सब अच्छा ही होगा चाहे कोई दुश्मन भी क्यों ना आ जाए। यहां मुझे जेल में बंद करवाकर उन लोगों ने अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर किरण चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरा काम हो जाना चाहिए। पैसों की कमी नहीं है मेरे पास देने के लिए। मेरे लिए मेरे बदले के आगे तुम्हारे पैसों का कोई मोल नहीं है रागिनी। उस अभय और श्रद्धा को तो मैं ऐसी सजा दिलवाना चाहती हूँ कि वो जिंदगी भर उस सजा से बाहर ना निकल पाए। हाँ लेकिन उसके लिए मैं जैसा कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। Yeah.
वैसे श्रद्धा, तुम्हें भी बबलू की बहुत याद आ रही होगी ना? हाँ सोनिया, याद तो उसकी बहुत आ रही है, और मैंने तो अपने रैपर भाई को राखी भी भेज दी है। पर पढ़ाई भी तो जरूरी है ना, और इसी उम्र में तो हम सब मेहनत करते हैं, है ना? नहीं बुआ जी, कोई अपशगुन नहीं हुआ है, जरा सा हवा का झोंका था, उससे दिया बुझ गया। हम इसे दोबारा से जला लेते हैं ना? लीजिए। शुक्रिया भैया। ये तुम्हारे लिए। वाह भाई, बढ़िया से तोहफे के साथ ना राखी की रस्म पूरी करने का मजा ही कुछ और है। क्यों आरती? बिल्कुल ठीक है बुआ जी। इस घर में हर कोई सिर्फ मुझे ही डांटेगा या कोई इस भाई को राखी भी बांधेगा? मुझे तो लगा था कि तुझे छुट्टी ही नहीं मिलेगी। आज तक कभी राखी छोड़ी है क्या? जो अब छोड़ूंगा। वैसे भी बड़े दिन हो गए थे अपने रैप पे आपका डंडा खाए। वैसे बबलू, हमें तो लगा था कि तुम बड़े होकर ना इसे रैपर शेपर बन जाओगी, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा पढ़ाकू बन गए हो। कैसे बुआ जी, मेरी नजर में तुम तो बिल्कुल नहीं बदला है। बहुत अच्छा लगा तुम्हारा। थैंक यू जीजू मेरी टिकट कराने के लिए। तेरी इस बहन की मुस्कुराहट के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दीदी राखी बनवा। हाँ आ बैठना। टॉप तो करना ही था दीदू, वहाँ टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते, पर मेरी असली गुरु आप है। आपने मुझे मेहनत करना सिखाया, इसलिए मुझे अपने हाथों से आपको ये मार्कशीट दिखानी थी। हाँ पर असली सरप्राइज अभी बाकी है। अब क्या है? सब ठीक हो गया है, बस एक ही चीज की कमी है। हाँ भाई, अब जल्दी से वो भी ठीक हो जाए ना तो हम खुशी खुशी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हमें कभी मौका भी नहीं मिला
और बच्चों को भी मजा आएगा। बच्चों को मजा आएगा? क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम किस बारे में बात कर रही हो? कीर्ति को घर वापस लाने की बात कर रही थी। अपनी बहन का रिश्ता बचाने में लगी रहोगी ना, तो हमारे रोमांस को आगे कैसे बढ़ाओगी? मना लो जितनी जीत की खुशी तुम्हें मनानी है श्रद्धा, क्योंकि एक बार मैं इस जेल से बाहर आई ना तो खुशी क्या होती है ये तुम भूल जाओगी। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।